दोस्तों भारत की स्वदेशी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी गाड़ियों को बेचती है और पूरी दुनिया टाटा मोटर्स की गाड़ियों को जानती है और पूरी दुनिया टाटा मोटर्स की गाड़ियों का लोहा मानती है। टाटा मोटर्स पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बनाने के साथ साथ अपने व्हीकल्स को आर्मी के लिए भी बनाती है। वहीं दोस्तों टाटा मोटर्स की एक SUV कार को बांग्लादेश की आर्मी ने चुना है और टाटा मोटर्स की एक गाड़ी ने बांग्लादेश की आर्मी का भरोसा जीता है और मन जीत लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने टाटा मोटर्स को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर दिया है। चलिए जान लेते हैं कि वो कार कौन सी है और उस कार में कौन कौन सी खूबियाँ बांग्लादेश की आर्मी ने देखी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की आर्मी ने बाकी गाड़ियों को छोड़कर इस SUV कार को चुना। तो दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की आर्मी ने टाटा मोटर्स की हेक्सा कार को पसंद किया है। टाटा हेक्सा एक काफ़ी अच्छी 7-सीटर SUV कार है और इंडिया में भी ये कार मिलती है। और वहीं दोस्तों बांग्लादेश में भी टाटा हेक्सा के कई सारे मॉडल लॉन्च किए गए हैं। इस कार को बांग्लादेश में साल 2012 में लॉन्च किया गया था और तब से ये कार बांग्लादेश में एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर SUV कार है। दोस्तों टाटा हेक्सा एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन वाली SUV कार है और कार के इंजन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। और वहीं दोस्तों सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी टाटा हेक्सा एक काफ़ी अच्छी गाड़ी है। वहीं दोस्तों इस कार के पार्ट्स भी बांग्लादेश में ईजीली अवेलेबल हैं और कार की सर्विस कराना भी आसान है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की आर्मी ने टाटा हेक्सा को अपने ऑफिशियल व्हीकल के रूप में चुना है। बात करें दोस्तों टाटा हेक्सा के इंजन की, तो इस कार में कंपनी हाल फिलहाल 2.2 लीटर का टर्बो 4 डीजल इंजन ऑफर करती है, जो कि 4-व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है, जो कि 154 bhp की मैक्सिमम पावर और 400 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों टाटा हेक्सा 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दोनों में मिलती है। बांग्लादेश की आर्मी ने इस कार का 4-व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन वाला वेरिएंट चुना है। दोस्तों टाटा हेक्सा में काफ़ी अच्छा और खुला स्पेस मिल जाता है। वहीं कार की राइड हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, मतलब इस कार को ऑफ रोडिंग और किसी भी तरह के रोड पर आसानी से चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों बांग्लादेश की आर्मी ने इस कार को पसंद किया है। वहीं दोस्तों भारत की आर्मी ने भी टाटा हेक्सा को भारत के ऑफिशियल व्हीकल के रूप में चुना है और इंडियन आर्मी भी टाटा मोटर्स की गाड़ियों को अपने ऑफिशियल व्हीकल्स के रूप में पसंद करती है। वैसे दोस्तों आपको टाटा हेक्सा कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डेली ऑटोमोबाइल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।